नमस्कार दोस्तों, अलग अलग समाचार पत्रों मीडिया से कुछ बेहद बड़ी जरूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत मिले हैं। दरअसल बैठक के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला ले लिया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के सुझाव पर चर्चा की थी। तो वहीं रात होते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कह दिया, लॉकडाउन निश्चित तौर पर 2 हफ्ते के लिए बढ़ने वाला है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ही करेंगे। हालांकि तीन मुख्यमंत्रियों के बयानों के बावजूद ये साफ नहीं हो सका कि लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कब होगी। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की चुनौती के बीच केंद्र सरकार अब जान भी जहां भी रणनीति के साथ सरकारी काम पटरी पर लाने की कवायद में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार पीएमओ की ओर से केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने अपने कार्यालयों में जाना शुरू कर दें। सभी मंत्री दफ्तरों से काम करेंगे। दफ्तरों में काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर बिहार को लेकर, बिहार के जहानाबाद सदर अस्पताल में कल एक 3 वर्षीय मासूम की समय पर उपचार न होने पर मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने जहानाबाद सदर अस्पताल के कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा, यहां इलाज के बाद पटना रेफर कर दिए जाने के बावजूद एम्बुलेंस मुहैया नहीं करने की वजह से हमारी बच्ची की मौत हुई। तो वहीं दबाव बढ़ते देख जिलाधिकारी ने वहां के हेल्थ मैनेजर को सस्पेंड कर दिया। अगली बड़ी खबर दिल्ली को लेकर, दिल्ली में जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार विस्तार हो रहे हैं, वहीं राजधानी से एक और घटना सामने आई। दरअसल दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित 3 शेल्टर होम में कल शाम 7 बजे भीषण आग लग गई। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया। खबरों की माने तो यहीं के 2 गुटों के आपसी झगड़ों के कारण एक गुट द्वारा आग लगाई गई। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है। बताते चले कि इन शेल्टर होम में 300 गरीब परिवार रहते थे जिसके सिर के ऊपर अब छत नहीं रहा। अगली बड़ी खबर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर, जब डीजीपी से मरकज के लोगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहे कि बिहार में मरकज निजामुद्दीन से 19 लोग बाहर से आए, सभी को कोरोना टेस्ट जांच के बाद छोड़ दिया गया है क्योंकि उनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाई गई। बताते चले कि बिहार में लॉकडाउन के बाद 2 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूर अलग अलग प्रांतों से आए जिसमें सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही विदेश से बिहार आने वालों की संख्या 6,000 थी। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र और तेलंगाना को लेकर, महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी घोषणा की। बताते चले कि केसीआर पहले भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की वकालत करते रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि देश में लागू 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि में 14 अप्रैल के बाद विस्तार किया जाए क्योंकि लोगों के जीवन रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख ने कहा था कि देश की खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोकना मुश्किल होगा। इससे पहले शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने राज्य में लॉकडाउन की 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की थी। अगली बड़ी खबर आर्थिक गलियारों को लेकर, कूटनीति को वैश्विक कारोबार के सर्किल में जो बात पहले धीरे धीरे कही जाती थी अब वह खुलेआम कही जा रही है। जापान ने 3 दिन पहले चीन से कारोबार समेटने वाली अपनी कंपनियों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। कोविड-19 के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उलझे अमेरिका के राजनेता व सांसद धमकी दे रहे हैं कि अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। ऐसे में भारत के लिए चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित होने का एक सुनहरा अवसर आता दिख रहा है। आम बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने पहले ही यह मंशा जता दी कि भारत अपनी तमाम रोजमर्रा उत्पाद जरूरतों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करेगा। इस बारे में दुनिया में चल रही कवायदों को देख भारत सरकार आगे भी अपनी नीतियों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। चीन के साथ व्यापारिक दूरी बनाने वाले देशों को अपने यहाँ निवेश के लिए आमंत्रित करने और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना प्राथमिकता होगी। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम एबी शिंजो के बीच शुक्रवार को हुई टेलीफोन वार्ता का अपना महत्व है। अगली बड़ी खबर मुंबई के ताज होटल को लेकर, निजी अस्पताल के एक चिकित्सक ने शनिवार को कहा कि दक्षिण मुंबई में ताजमहल पैलेस के कम से कम 6 कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ताज श्रृंखला के संचालक इंडियन होटल्स कंपनी ने कहा था कि देश की वित्तीय राजधानी में उसके कुछ कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कंपनी ने शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ मैदान में डटे स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को अपने होटल में रखा है। उसने अपने करीब 500 कर्मचारियों की जांच कराई थी। कंपनी ने संक्रमित व्यक्तियों की संख्या नहीं बताई लेकिन एक बयान में कहा था कि उनमें से ज्यादातर में इस संक्रमण में कोई लक्षण नहीं थे। अगली बड़ी खबर देश में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर, दुनिया भर में 1 लाख से अधिक लोगों का जान ले चुका जानलेवा वायरस भारत में तेजी से पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 7500 से पार तो वहीं 242 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के कुल
768 नए मामले सामने आए और 36 लोगों की जान गई। हालांकि इस बीमारी से अब तक 653 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां 110 लोगों की मौत के साथ 1276 मामले सक्रिय है। वहीं दिल्ली 864 संक्रमितों तथा 14 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमशः तमिलनाडु, राजस्थान और तेलंगाना बनी हुई है। अंतिम बड़ी खबर विश्व में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस अब तक 185 देशों में फैल चुका है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में अब तक संक्रमितों की संख्या 17,76,000 से अधिक, जबकि 1,08,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी को मात देकर 4,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। बताते चले कि इस वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है, तो वहीं लंबे समय से दूसरे नंबर पर रहे इटली तीसरे नंबर पर आ गई है, जबकि स्पेन में वायरस के चपेट अधिक लोग आने से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, जहां 16,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है।